एकामाई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फुरमान। ओ वेखे ओना नदर न आवे बहुता एहो विडान। आदेस तिसे आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भारत विच ये आम धारणा है कि एक माया जुगती दे नाल प्रसूत होई और उसने तीन पुत्रां नू तीन चेलियां नू जन्म दिता, ब्रह्मा बिशन महेश। फिर एक ने संसार नू जन्म दिता ब्रह्मा, फिर दूसरे ने पालना आरंभ की थी विष्णु, और तीसरे ने लय करनी परलय करनी शुरू की थी शिव जी। ये धारणा बहुत लंबे समय तो साढ़े देश देश प्रचलित है। इसका सही स्वरूप धन गुरु नानक देव जी महाराज साढ़े सामने रख रहे हैं। ये तो ठीक है कि जगत विच कम तिन हो रहे ने, जीव जम रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। पर ये ख्याल क्यों बनया कि ये सब कुछ तिना तो हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा? इस वास्ते बनया, जिस तो जम रहे ने वो मिटाएगा क्यों, ते जिसने मिटाई देना है वो पालना क्यों करेगा, ते जिसने पालना ही करनी है वो क्यों मिटावेगा। लिहाजा जन्म देने वाला कोई होर है, पालना करण वाला कोई होर है, नाश करण वाला कोई होर है। मनुख दी विचारधारा इत्थों ए बनी। एक शक्ति कम नहीं कर रही, तीन शक्तियां कम कर रही ने। पर यह सोचनी गुरु नानक नु आई, कम तीन हो रहे ने पर एको ही शक्ति तो हो रहे ने, एको ही शक्ति तीन कम कर रही है। ब्रह्मण विच असी गौर नाल तकी है तो देखण नु मिलेगा बहुत सारे कम एको ही शक्ति कर रही है। जैसे एक बिजली दा करंट रेलां मोटरां गड्डियां नू चला रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, किधरे इस तो हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, और किधरे कूलर चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं। करंट तो इको है, सैकड़े कम वो कर रहे हैं। अगन चूल्हे विच बल के भोजन बना रही है, हजारा कम कर रही है। पर जे यही अग मकान बाजारां नू लग जाए, शहरां नू लग जाए, तो अग जला के खाक कर देंदी है, राख कर देंदी है। ये दो दो ते बेशुमार कम असी अग्नि विच देखते हैं। पानी जगत दा जीवन है, जगत दी प्यास बुझांदा है, हजारां तरह दी लोड़ां दी पूर्ति इसे ही पानी तो होंदी है। पर वगदे होए दरिया जे किधरे हड़ दी शक्ल अख्तियार कर जान, समुंदर विच किधरे तूफान आ जाए, तो बस्तियां नेस्तो नाबूद हो जांदियां ने, शहर उजड़ जांदे ने, जीड़ियां खेतियां पानी तो हरियां भरियां हो जांदियां, उही डुब के नाश हो जांदियां, मिट जांदियां ने। पानी भी सानू दो कम करदा होया दिसदा पिया।
पवन जगत दा जीवन है, ए ना होवे ते कोई जीव जिंदा नहीं रह सकदा। पर ए पवन ए हवा जद तूफानी रूप धारण कर दिए, दरख्तां नू जड़ों पुट के रख देंदी है, मकान नेस्तो नाबूद कर देंदी है। और कई दफा ए जोर दियां तूफानी हवावां हजारां जीवां दे मौत दा कारण बन जांदियां ने। एक एक कम तो अनेका अनेका कम करन वाले ये तत्त मौजूद ने, पर इन्हां तत्तां दी सिरजना करन वाला जो परिपूर्ण परमात्मा है वो एक नहीं है। और ऐसी धारणा कि उत्पत्ति किसे होर तो हो रही है, पालना किसे होर तो हो रही है, नाश किसे होर तो हो रहा है, इस तरह दी धारणा नू गुरु नानक ने नहीं मनिया। जगत दा जिक्र करके फिर साहिब अपने विचार देंदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। जगत दी विचारधारा ए प्रचलित कि एक माया ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई, फिर इस तो तीन चेले प्रमाणिक होए, तीन चेले पैदा होए, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक संसार नू बनान वाला संसारी, एक संसार दी पालना करन वाला भंडारी, और एक संसार दी लय करन वाला दीवान ला के लय करन वाला शिवजी। ये धारणा जगत विच प्रचलित ये तो ठीक है, कम तीन हो रहे ने, पर ये तीन कम चूंकि विरोधी ने विपरीत ने, जमना होर घटना है, मरना होर घटना है, पालना करना एक होर घटना है, और ये तिना तो हो रही ने, एक तो नहीं, क्योंकि विपरीत ने। जो बनाएगा मिटाएगा क्यों, और जिसने मिटा ही देना है उन्हू सवार के रखने की की लोड़ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे ज्यों होवे फरमान। हकीकत ए है, सच्चाई ये है, जिवें उस परिपूर्ण परमात्मा नू भावदा तिवें उस संसार नू चलांदा है बणांदा है, जिवें उसका हुक्म है तिवें ये जगत टिकदा है ते मिटदा है। भाव ये सब कुछ उस एक दी रजा विच हो रहा है, उस एक दे हुक्म विच हो रहा है, उस एक दे फरमान विच हो रहा है। पर वो एक इन्हां सारियां नू वेखदा है, उन्हां सारियां नू वो एक नहीं दिखाई देंदा, वो वेख है उन्हां नदर ना आवे बहुता एहो विडाण। आश्चर्य लीला जिहड़ी है वो ये है कि इतनी वड्डी अनेकता नू सारियां नू वो एक देख रहा है, पर इतनी वड्डी अनेकता ए सारे उस एक नू नहीं देख रहे, उस एक नू नहीं समझ रहे। महाराज कहिंदे ने यही आश्चर्य कौतक मैनू दिखाई देंदा है। हजारां अखां ने लखां करोड़ां अखां ने वो एक नू नहीं देखदे पए, और वो एक सारियां नू वेखी जांदा है, सारियां नू वेखी जांदा है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी रे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा सुनना व्यापक, उदा समझना व्यापक, और उसका बोल भी ब्रह्मंड विच व्यापक वज रहा है। साहिब कहिंदे ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहद जुग जुग एकोवेश। ऐसे परमात्मा नु प्रणाम है, नमस्कार है, जो जगत दा आद है, शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसका मुढ़ नहीं लभया जा सकता, अनाहत जो नाश तो रहित है, जुग जुग एको वेस हर जुग दिच जिसका एको ही वेस है, सदा एको रस है। आसन लोए लोए भंडारे
जो किछ पाया सो एक वार कर कर वेखै सिर जनहार। नानक सचे की साची कार आदेश तिसे आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है हे जोगी हर लोक देच हर ब्रह्मंड देच हर पृथ्वी देच उसका आसन है। भाव ऐसा नहीं कि उसने इतना सारा संसार बनाया किसी एक पृथ्वी ते रह रहा है बाकियां ते नहीं, किसी एक ग्रह नक्षत्र देच रह रहा है बाकियां ते नहीं। ग्रह का मतलब है घर। ये तारा ये नक्षत्र ये सूरज ये चंद्रमा ये पृथ्वी ये सब ग्रह ने कुछ ना कुछ इत्थे टिकिया होया है कुछ ना कुछ इत्थे रह रहा है रहण दे ये अस्थान ने। अनंत इस तरह के ग्रह ने बहुत सारिया पृथ्वियां ने अनंत पृथ्वियां ने पर इसका यह मतलब नहीं कि वह परिपूर्ण परमात्मा किसी एक पृथ्वी ते रह रहा है और उत्थों सारी पृथ्वियां की संभाल कर रहा है। नहीं, आसन लोय लोय भंडार उसका आसन हर लोक देच है हर पृथ्वी देच है क्योंकि वह व्यापक सत्ता है। जैसे मछली किधरे भी चले जाए सागर दे विच है, असी किधरे भी चले जाइए परमात्मा दे विच हां। सारे ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे उसे ही परमात्मा दे विच ने, उसे ही व्यापक शक्ति दे अंदर ये सब कुछ है। लिहाजा उस परिपूर्ण परमात्मा दा आसन टिकाणा हर लोक देच है। जिथे उसका आसन है उत्थे हर लोक देच उसका भंडारा भी है, हर धरती देच उसका भंडारा है और उसे ही भंडारे तो जीव प्राप्त कर रहे ने। आसन लो लोए भंडार जो कुछ पाया सो एकावार। पर उसका भंडारा ऐसा नहीं कि शाम नू मूंदा हो जाए तो रोज नवा फिर पाना पै, नहीं, इक्को ही दफा उसने पा दिता है और अनंत काल तो जीव इस भंडारे दिचों कढ़ रहे ने। भंडारा मुकया नहीं। दरअसल मनुख दे मन विच खास करके मनुख दे मन विच बहुत जड़ी चिंता है ओ रिजक दी है, रिजक दी है। इस वास्ते ए लोभी है 100 साल दा 200 साल दा रिजक कट्ठा कर लई है। पशु भी इसे लोभ वस हो के जो उसनों 10 दिनां विच खाना चाहिए है कई दफा 1 दिन विच खा जांदा है, बहुत खा जांदा है बहुत खा जांदा है। लोभ वस हो के व्यापक तर ते जीवां विच जिहड़ी चिंता है वह रिजक दी है रोजी दी है। इसनों कुछ विद्वाना ने बहुत वड्डा दुख ते संताप समझ के परमात्मा दे अगों गिला भी पेश कीता है। जैसे कवि सुंदर कहते हैं सुंदर पेट दियो बड़ पाप कियो, हे प्रभु एक पाप ते तैथों भी हो गया। चलो पेट तो पशु पक्षियां दा बनाया सी ठीक सी और रिजक लभदे रहिंदे होर कम नहीं सी उन्हां नूं, पर कम से कम तो मनुख नूं यह पेट नहीं लाना चाहिदा सी, मनुख नूं यह पेट ना देंदा। क्यों? इहदा सारा समा रिजक दी तलाश विच लभ जांदा है। राजक रहीम दा ते ख्याल ही नहीं आउंदा, तेरा ख्याल ही नहीं आउंदा, बस रिजक दे चक्कर दे च पिया रहिंदा है। भावर सामरत दा करता भी कहिंदा है बिद एक अनीत अनीत रची शुभ संतन के तन पेट लगायो अत दीन मलीन दुखी न रजो तिनके ग्रह भीतर भीख मंगायो। हे परिपूर्ण परमात्मा एक अनीति तैथों भी हो गई है, तू संतान नूं भी पेट दे दिते। जो मलीन लोग ने दुखी लोग ने विकारी लोग ने इन्हां संतान नूं उन्हां दे घरों भिक्षा मंगनी पै गई। एक अनीति
तैथों भी हो गई। इस मामले च राजयोगी भर्तरी भी अगे ने, वह भी परिपूर्ण परमात्मा से एक बहुत वड्डा गिला करदे ने। वह कहिंदे ने, नागों का आहार ब्यार, माटी कीनो मुख चार, उदम न हिंसा वार, सुख सदा होए है। देखते सही है परमात्मा, तू सप्पां दा रिजक मिट्टी बना दिता, ते मिट्टी ते व्यापक है, सारी थां ते उन्हां नूं मिल जांदी है, खुड दे विच मिल जांदी है। कोई हिंसा करन दी लोड़ नहीं, कोई उद्दम करन दी लोड़ नहीं, कोई उपराला करन दी लोड़ नहीं। अंकुर त्रिलाद सुधा सो प्रसाद पावे, पशु अहलाद धार धारा सोय है। फिर तू चौपाए जानवर बनाए, उन्हां लई आहार बना दिता, जंगल दे पत्ते घास इत्यादिक, ये उन्हां नूं सुते सिद्ध नसीब ने। तू बहुतात दे जंगलां दे च घास दे पत्ते पैदा कीते ने। रची नरों की वित्त जोना बिना वित्त, रंडी पूत समता है दंडी ना है कोई है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू एक मनुख दी रोजी ऐसी बना दिती जो बिना वसीलियां तो बिना मेहनत तो लभदी नहीं, न लभदी नहीं। मनुख दा आहार ऐसा बना दिता बिना भजियां दौड़िया उद्दम कीतियां लभदा नहीं। भरतरी ते थे कहिंदे ने, हे प्रभु मैनू ते इंज लगदा है तू रंडी दा पुत्र है, तेनू डंड देण वाला कोई नहीं, तेनू समझाण वाला कोई नहीं, तेनू अकल देण वाला कोई नहीं। लगदा है भुख तो किधरे भरतरी बहुत व्याकुल होए ने, बेचैन होए ने, ते ऐसा गिला कर बैठे ने। वास्तविक गल ए है, अगर गहराई नाल देखिए, जीवां लई जो बहुत लोड़वंद है, जिस तो बिना एक छिन नहीं रहा जा सकता, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि पवन व्यापक है, कोई जीव हवा कमाण वास्ते पवन कमाण वास्ते नहीं जांदा, क्योंकि हवा ते व्यापक है। और ये भी एक रिजक है, असी श्वास लेंदे हाँ, कढ़दे हाँ, लेंदे हाँ, बार बार पवन नूं अंदर ले जांदे हाँ, ये भी साडा भोजन है। पर यह भोजन व्यापक है, व्यापक है। और हवा तो बिना एक सैकेंड भी असी जी नहीं रह सकते। दूसरा पानी है, जिथे हवा तो बिना असी एक सैकेंड भी नहीं रह सकते, पानी तो बिना घट तो घट 3 दिन रह सकते हैं, अंदाजन 3 दिन रह सकते हैं। इस वास्ते पानी हवा नालों थोड़ा घट जरूरी है। परिपूर्ण परमात्मा ने पानी दे भी दरिया वगा दिते हैं, पानी दी बारिश होंदी है, पानी भी बहुत आदिच है। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। गालबन हजारा नदियां ने जमीन ते वग रही ने, और फिर जोर दिया बारिशां ने, बहुत है पानी। इस वास्ते असी ये भी नहीं सुनते कि कोई मनुख पानी कमाण वास्ते एक देश तो दूसरे देश गया, एक शहर तो दूजे शहर गया। कोई मनुख पानी कमाण वास्ते अपना वतन छड़ के दूसरे वतन चला गया, ऐसा सुनन नू ते देखन नू नहीं मिलता। लेकिन ऐसा तो देखण सुनन नू मिलता है कि एक मनुख रोटी कमाण वास्ते एक शहर तो दूसरे शहर गया, एक मनुख रोटी कमाण वास्ते अपने घर तो दूसरे घर गया, एक मनुख रोटी कमाण वास्ते अपने वतन तो दूसरे वतन गया। क्योंकि रोटी व्यापक नहीं है पवन की तरह, तो रोटी की बारिश भी नहीं आती पानी की तरह, रोटियां दे दरिया भी नहीं चलते पानी की तरह, पानी दे दरिया चलते ने। विद्वान कहते ने, एक आम शरीर 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है,
एक आम शरीर तीन दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, और हवा तो बिना ते मनुख एक सेकंड भी नहीं रह सकता। हवा व्यापक बना देती, पानी बहुता बना देता। रोटी कमाण वास्ते मनुख नो एक थां ते दूसरी थां ते जाना पैंदा है, पर जे सप्पां दी तरह मनुख दा आहार भी मिट्टी आउंदा और ए आहार व्यापक आउंदा, मनुख उदम रहित हो जाना सी, आलसी हो जाना सी। जैसे छे छे महीने खुड दे सप पिया रहिंदा है, मनुख भी किधरे पिया रहना सी, कुछ भी नहीं आना सी। इतनी उन्नति विज्ञान दी दुनिया च और ज्ञान दी दुनिया जो कुछ होई है, कदी इस दे पिछे देखिए, खेड सारी रिजक दी है, रोटी दी है, इसने ही भजाया दौड़ाया और इसने ही मनुख दे दिमाग नू तरह तरह दिया कांडा कंडन ते मजबूर कीता है। ये रेलां मोटरां गड्डियां सड़कां पुल हवाई जहाज इस सब कुछ दी बनतर दा कारण दो रोटियां ही ने, मनुख नू प्रेरित कर रही ने। जिहड़ियां दो रोटियां मनुख नू प्रेरित करके इतना कम करा रही ने, उस रिज़क नू ते महान आखना चाहिदा है। परमात्मा ने चंगा कीता है कि साडा रिज़क इस ढंग नाल बनाया, मनुखां दा रिज़क इस ढंग नाल बनाया कि इस नू अपनी रोजी लभनी पैंदी है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाणे तहां खाणे नानका सच ए। जिथे इस दे दाणे पए ने उन्हां दाणियां नू लभण वास्ते मनुख नू उद्यम करना पैंदा है, पुरशारित करना पैंदा है। ताई ते मनुखी दुनिया विच इतनी उन्नति हो सकी है। हजारां साल पहले जिथे पशु पक्षी सन, अज भी उत्थे ने। हजारां साल पहले जिथे सब खुड्डां च रहिंदे सन, अज भी उत्थे ने। पर मनुख ने ते फलक बोस इमारतां खड़ियां कर दित्तियां ने। मनुख ते हजारां तरह दे कपड़ियां दा जन्मदाता है, जदके पशु अज भी नंगे ने। मनुख हजारां तरह दे भोजन दा जन्मदाता है, जदके पशु पक्षी अज भी ओही गजा खाई आ रहे हैं जो हजारां साल पहले सी। मनुख दी दुनिया विच इतनी उन्नति, इतनी नवीनता, इतना पसारा जो है, पिछे रिजक कम पिया करदा है। हां, रिजक दी चिंता नहीं चाहिदी है। ना कर चिंत चिंता है करते, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। तू उदम कर ते प्रभु दा चिंतन कर, परमात्मा चिंता करेगा, क्योंकि जगत उसने पैदा कीता है, तो संभाल भी उसने जो है करनी है। महाराज कहिंदे ने उहदा आसन हर लोक दे च है और उसका भंडारा भी हर लोक दे च है, और उसने अपने भंडारे जो कुछ एक दफा पा दिता, अरबां खरबां साल तो जीव उस भंडारे चों कढ रहे ने, भंडारा खत्म नहीं होया। धरती दे च कोई लोहा मुक नहीं गया, सोना चांदी मुक नहीं गया, कोई पदार्थ मुक नहीं गए, त्यों दी त्यों धरती भरी पई है। जीव खा खा के थक जांदे ने, टुट जांदे ने, चले जांदे ने, भंडारे परमात्मा दे मुकदे नहीं। आसन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सो एकावार, कर कर वेखे सिरजनहार, ओ परिपूर्ण परमात्मा। ओ जो सिरजनहार है, अपनी कीती नू वेखदा है, भाव संभाल भी करदा है, लोकां दी खंडां ब्रह्मंडां दी जीवां दी जंतुआं दी ओ बकायदा संभाल भी करदा है। नानक सचे की साची कार, उस परमात्मा दी ए कार सच है, ए करनी सच है। भाव इस विच किधरे भी कोई उकयाई, कोई कमजोरी, कोई भूल नहीं लभी जा सकदी। सब ठीक है, सब ठीक है, सब सही है। कई दफा मनुख नू ऐसी उकयाई दिखाई दे सकदी है। जैसे कि एक गाथा है, अंब दे दरखत थले मनुख सुत्ता होया ते सामने हिंदवाणियां दा खेत, बहुत वड्डे वड्डे तरबूज बेलां नू लगे है और छोटे छोटे अंब दरख्त नू लगे है। मनुख कहिंदे परमात्मा तेनू कौन समझावे, इतने वड्डे वड्डे फल तू बेलां नू लाए और ये निक्के निक्के फल तू इतने वड्डे दरख्त नू लाए। इस तरह परमात्मा दी अनगैली ते हसदा होया सौ गया, ठंडी हवा चली सौ गया। हवा दे तेज झोंके नाल अंब गिरया, उसदे मत्थे ते लगया, ते एकदम ख्याल आया जे तरबूज गिरदा तो
तो सिर्फ तरबूज ने ही नहीं टूटना सी, मेरा सिर भी टूट जाता। हे प्रभु, तू जो कुछ भी कीता है, जो कुछ भी बनाया है, ठीक है, इस दिच किधरे भी उकाई नहीं लभी जा सकती, इस दिच किधरे भी जो है भूल नहीं लभी जा सकती। तू सच है, तेरी करनी भी सच है। नानक सचे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, नमस्कार है उसनु, प्रणाम है उसनु। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, जो सारेयां दा आद है, मुड़ है, और जो शुद्ध स्वरूप है अनाद, ते फिर जिसका मुड़ लभया ही नहीं जा सकता, वह मुड़ किथे है, वह मूल किथे है, और जो अनाहत है, नाश तो रहित है, ते जुगा जुगा दे जो सदा एक रस है, ते टिके होया है, महाराज कहते ने प्रणाम है, प्रणाम है। इस स्वरूप दिया ए चार पौड़िया ने, और जोगियां नू गुरु नानक देव जी महाराज समझांदे ने, और मूल रूप दे दसदे ने, नानक सचे की साची कार, और ओही सब कुछ कर रहा है, ओही करणहार है, होर कोई नहीं है, होर कोई नहीं है, और उसे नू ही प्रणाम करो, बार बार उसे नू ही सजदा करो, ताकि थोड़े सिर दा बोझ सारे दा सारा ओ चुक लवे, ते थानू ए सूझ आ जाए, उसे तो उत्पत्ति हो रही है, उसे तो पालना हो रही है, उसे तो नाश हो रहा है, और पालना दे भंडारे उसके हर लोक दे च मौजूद ने, और भंडारियां दे जो कुछ उसने पाया एको ही दफा पा दिता है। और ऐ मनुख, जे किधरे तू उसकी सूझ समझदा, भोजन बना लवें, ज्ञान नू भोजन बना लवें, ते दया नू उस भोजन नू वंडन वाला बना लवें, ते घट घट दे जो नाद वज रहा उसकी आवाज अनहद दी धुनी चल रही है, इसनू सिंगी बना लवें, तो फिर तू महान जोगी बन जाएगा। इन्हां चार पौड़ियां दे राही जोगियां नू सतगुरु ने संदेश दिता है, उपदेश दिता है, और बार बार आख्या है आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश, प्रणाम है उसनु, प्रणाम है उसनु, जो जगत दा मूल है, शुद्ध स्वरूप है, ते जिसदा मूल नहीं लभया जा सकता, जो नाश तो भी रहत है, ते जुगां जुगां दे जिसदा एको ही वेश है, एको ही स्वरूप है, प्रणाम है उसनु, प्रणाम है उसनु, प्रणाम है उसनु। एक दूजी भो लख होए, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीस, इतरा पत पवनिया चढ़िए होए इकीस, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाए कूड़ी कूड़े ठीस। धार्मिक जगत विच बहुता कुछ ऐसा है जिसनू असी कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड एक सीमा तक होवे तां ते ठीक, खिडौणियां नाल खेडना एक उम्र तक होवे तां ते ठीक, पर बच्चा प्रौढ़ हो गया है, जवान हो गया है, अजे भी खिडौणियां नाल खेड रहा है, अजे भी गुड्डे ते गुड़ियां दा खेड, तो फिर शक होवेगा उसकी जवानी ते, किधरे ऐसा ते नहीं ये दिमागी तौर ते रह गया। धार्मिक जगत देच भी ऐसा है, जिथे शरीर का बचपना है, शरीर की जवानी है, शरीर की वृद्ध अवस्था है, हू बहू मनुख दे मन तो राजनीति का जन्म होया है, समाज का जन्म होया है, धर्म का जन्म होया है।
तो मनुख दा मन इन्हां तिन अवस्थावां दे च वी किधरे बच्चे दी तरह हो सकदा है, किधरे जवान दी तरह हो सकदा है, और किधरे मन बुजुर्ग हो सकदा है, महान हो सकदा है। जिहड़ा समाजिक तल ते बचपन दे दौर चो लंघ रहा है, बहुत सारियां कौमां ऐसियां लंघ रही ने जिन्हां दे रिश्तियां विच पुख्तगी नहीं है। जो पति ते पति पत्नी दा रिश्ता है, इस विच पुख्तगी नहीं है, रोज बनदे ने, टुटदे ने। जद ये मूल रिश्ता जो नानके दादके सहुरियां नूं जन्म देंदा है, इस विच पुख्ता ही नहीं, तो मनुख दा मन इन्हां तिन अवस्थावां विच वी किधरे बच्चे दी तरह हो सकदा है, किधरे जवान दी तरह हो सकदा है, और किधरे मन बुजुर्ग हो सकदा है, महान हो सकदा है। जिहड़ा समाजिक तल ते बचपन दे दौर चो लंघ रहा है, बहुत सारियां कौमां ऐसियां लंघ रही ने जिन्हां दे रिश्तियां विच पुख्तगी नहीं है। जो पति ते पति पत्नी दा रिश्ता है, इस दे च पुख्तगी नहीं है, रोज बनदे ने, टुटदे ने। जद ये मूल रिश्ता जो नानके दादके सहुरियां नूं जन्म देंदा है, इस दे च पुख्ता ही नहीं, तो फिर बाकी रिश्तियां दे च भी पुख्ता ही नहीं होवेगी, पकियाई नहीं होवेगी। इत्थे इस तरह जिवें बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है और खिडौणियां नूं ही तोड़ देंदा है। रिश्ता बनाया, रिश्ता तोड़ दिता, संबंध बनाए, संबंध तोड़ दिते। इस तरह जिसका मन अजे समाजिक तल ते बचपन दे दौर दे च लंघ रहा है, रिश्तियां दे च पकियाई नहीं होवेगी, उहदी मित्रता बहुत छेती दुश्मनी च बदलेगी, उहदे संबंध बने हुए बहुत छेती टुटणगे। और जिथे जवानी आ गई है, परोड़पणा आ गया है, उत्थे रिश्तियां विच पकियाई ते आ जांदी है, पर रिश्तियां नूं सही ढंग नाल निभाना अजे उस दे अंदर जोश है, किधरे किधरे उकाई खा जांदा है। पर समाजिक तल ते उसनूं बुजुर्ग मन सकदे हां, जिसनूं रिश्तियां नूं निभावना आउंदा है, चलावना आउंदा है, संभालना आउंदा है, पूरी सूझ समझ रखता है, उस समाजिक तल ते ओ कौम, ओ व्यक्ति, ओ घराना बुजुर्ग है। किधरे किधरे राजनीतिक तल दा भी बचपना देखते हैं, राजनीति दे च भी बचपना है, और ओ भी बनना, बिगाड़ना, बनना ते तोड़ना, ऐसा बचपन दी राजनीति च चलेगा। और ऐसे हत्थां विच अगर मुल्क आ जाए, जो अजे राजनीतिक तौर ते बच्चे ने, टुटेगा मुल्क, मनुख मनुख नालों टुटेगा, कौम कौम नालों टुटेगी, देश दे टुकड़े होणगे, जद राजनीति बच्चियां दे हत्थे च आ जाए। जिथे जवानां दे हत्थ विच आ जाए, वह फिर देश हित लई सोचदे ने, सिर्फ खेडदे नहीं, देश नूं चलाउण दी कोशिश करदे ने, देश नूं तोड़न दी नहीं, कौम नूं चलाउण दी कोशिश करदे ने, कौम नूं खेरू खेरू करन दी नहीं। और जे किधरे राजनीतिक तल दी बुजुर्गी आ जाए, तां फिर वो देश तो फिदा होंदे ने, कुर्बान होंदे ने, सब कुछ उन्हां लई देश ही आउंदा है, और देश दी सेवा उन्हां दा धर्म बन जांदा है। ये लोग राजनीतिक तल ते बुजुर्ग ने। इसे तरीके दे नाल धर्म दी दुनिया दा भी बचपना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बस हाथ विच माला है, और माला नाल गिणती मिणती 100 माला फेरनिया ने, 108 मणकियां वाली 1000 माला फेरनी है,
उस मंत्र दा इतने बारी जप करना है और इस कुछ दी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह दी धारणा विच रहना और इस तरह दे ही जो है धारणावां दा प्रचार करना, दूसरे नूं दसना, ये धर्म दा बचपना है। धर्म दी बुजुर्गी सुरत शब्द दा मेल है। धर्म दा युवक होना, बालक होना इसकी समझ है। वे सुरत जिन्ने चिर तक शब्द विच नहीं जुड़ी, सुरत सरोता, शब्द आवाज, समान वक्ता बने ते मन सरोता बने, ताई मन दी दुनिया बदलेगी। ए जिस दी समझ च आ गई, जवान हो गया, प्रौढ़ हो गया, बालक हो गया, सुरत शब्द विच जुड़ गई, महारस जीवन विच पैदा हो गया, ए धर्म दी बुजुर्गी है, धर्म दी महानता है। ऐसा मनुख धर्म तो फिदा होवेगा, ऐसा मनुख धर्म तो कुर्बान होवेगा, ऐसा मनुख धर्म तो सदके होवेगा। धर्म दी बचपनमई अवस्था दा, बाल अवस्था दा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी जो 32वीं पौड़वी है जिक्र कर दे। एक दूजी भो लख होए, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। गिनती मिनती नाल नाम जपण वाले महाराज कहते हैं किधरे एक जबान दो हो जान, दो लख हो जान, लख भी लख हो जान, ते लख लख गेड़ा आखिए, एक एक जबान ना लखा लखा वारी। उस एक जगदीश दा नाम उचारण कीर करिए, जो जगत दा मालिक है उसका रखिया होया कोई भी नाम उचारण करिए, करदे रहिए, भाव गिनती मिनती तो परे, लेकिन अंदर ये धारणा इतना करिए ऐ हो जाएगा, उतना करिए ओ हो जाएगा। सिख जगत विच भी एक कर्म कांड बहुत चलता है, चलिया कटिए। फलाने स्थान ते 40 दिन जाइए, फलाना पाठ 40 दिन करिए, फलाना पाठ 40 बार रोज करिए, माला 40 दफा फेरिए। प्रथम ते इस तरह की 40 की गिनती दा गुरमत विच गुरबाणी च किधरे जिक्र नहीं। और इस तरह दे जपण दा कोई उपदेश नहीं, कोई सुझाव नहीं। पर जो कर्मकांडी है, जैसे खिडौने सामने ने, बच्चा ते खेडेगा खेडेगा, और बच्चा खिडौणिया नाल ही नहीं खेडेगा, बच्चे दे सामने जो कुछ है खिडौना ही खिडौना है। कुछ ते धर्म दे खिडौने माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, पर कुछ दी दृष्टि विच परमात्मा दा नाम जपना पाठ करना सब खिडौना ही खिडौना, कथा कीर्तन सुनना या करना सब खिडौना ही खिडौना, मनोरंजन समा पास करना, ये बचपना है। और ये भी बचपना है कि इतनी गिनती दा पाठ करिए तो इस कुछ दी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह दी मनोकामना विच रह के गिनती मिनती दा नाम जपना। महाराज कहते ने एक जबान किधरे दो हो जान, दो लख हो जान, और लख नू भी लख बना लईए, और एक एक रसना ना लखा लखा वारी, वो जो जगत दा ईश मालिक है उहदे नाम दा उचारण करिए, ते ए समझिए एत रापत पौड़िया चढ़िए होए एकीस। परमात्मा दे घर दिया यही पौड़िया ने, इस ते चढ़ के एक ईश्वर हो जाईदा है, परमात्मा दा स्वरूप हो जाईदा है। साहिब कहिंदे नहीं सुन गला आकाश की
कीटा आई रेस, जो आकाश तक पहुंच के जिन्होंने आकाश नु छोया, जो आकाश स्वरूप हो गए है, उस आकाश की महिमा सुन के इन्हां कीड़ियां दे अंदर भी रीस पैदा हो गई। इतने गिनती मिनती दा करिए और ए रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ओ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस, इन्हां कीड़े मकोड़ियां दे अंदर भी रीस करन दा मादा जो है पैदा हो गया। और सोचते पैने असी अपनी अकल नाल, अपनी शरीरक शक्ति दे नाल, और इस तरह की गिनती मिनती दे नाल परमात्मा नू प्राप्त कर लवांगे। महाराज कहिंदे नानक नदरी पाईए, उहदी प्राप्ति ते उसकी मेहर नाल आउंदी है, उसकी बख्शिश नाल आउंदी है, ते उसकी बख्शिश लई सब कुछ कीता होया उसनू अर्पण करना पैंदा है। करम करत होवे ने करम, तिस बैसनों का निर्मल धर्म, सारे कर्म करे और अर्पण कर देवे परमात्मा नू, और आखे हे प्रभु मैं कुछ नहीं कीता, मैं कुछ नहीं कीता। एक ए ढंग है, या जिस दिन कर करके थक जाए और कर करके कुछ नहीं लभया, तो फिर उस दे अंदर जो प्रार्थना पैदा होंदी है वह सब कुछ कीते नू अर्पण कर देंदा है और कहिंदा है हे प्रभु मैं कर करके थक गया, कुछ नहीं होंदा। फिर अंदरों एक अरदास पैदा होंदी है, पर कर करके जो थके है उस दे अंदरों ही ये अरदास पैदा होवेगी, दूसरे दे अंदरों नहीं। वह कहिंदा है हे प्रभु तो मिल। इस तरह की अरदास जिंदगी दे इक्को ही दफा पैदा होंदी है, बहुत गहराई चो निकलेगी, क्योंकि कर करके थक गया और उसने कुछ करना नहीं, हुण करन दी थां ते उस दी थां प्रार्थना ने मल ली है, अरदास ने मल ली है। हुण हर वक्त अंदरों अरदास पैदा हो रही है, ये अरदास कबूल हो जाती है। एक आलम दा कहना है खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत कर करके थके आया निराश मनुख ही इस तरह की प्रार्थना नू, इस तरह की अरदास नू अपने अंदरों जन्म दे सकता है और ये अरदास कबूल हो जाती है, प्रमाण हो जाती है, और वह कह देंदा है तू प्राप्त होया ये तेरी नदर, तू मिले है ये तेरी रहमत मेरी मेहनत नहीं, तू मिले है ये तेरा प्रसाद मेरा प्रयास नहीं, तू मिले है ये तेरी बख्शिश मेरा उद्यम नहीं। जबकि उसने उद्यम बहुत कीता है, कर करके थके है, तो इस थकावट ने अरदास नू जन्म दिता है। साहिब कहिंदे ने अगर कोई ऐसा समझ लवे नहीं मैं अपने करने नाल ही प्राप्त करांगा, तो उसका करना कदी अरदास बने ही ना, प्रार्थना बने ही ना, तो महाराज कहिंदे ने कूड़ी कूड़े ठीस, ए बस कूड़े दियां कूड़ियां ही गल्लां ने, व्यर्थ दियां गल्लां ने, ये सब उस लई झूठ ही झूठ है। हकीकत ते ए है, सच्चाई ते ए है, नानक नदरी पाईए। साहिब कहिंदे ने प्राप्ति उसकी नदर नाल आउंदी है, उसकी बख्शिश दे नाल आउंदी है, बाकी ते सब कुछ कूड़े दियां कूड़ियां ही ठीसां ने। भाव व्यर्थ ओ अपनी जो है वडियाई कर रहे हैं, मैं ये कीता है, सब कूड़े दियां कूड़ियां गलना, प्राप्त उसनु कुछ नहीं होया। जिस दिन ये मैं भाव खत्म होंदा है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं कुछ नहीं कीता, तू ही है, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, मेरा करना जिस दिन मैनू मिटा देंदा है उसे दिन तू पैदा होंदा है, ते मेरा करना मैनू मिटा सके, वो इस तरह ही हो सकता है कि कर्म करत होवे ने करम, जो कुछ करिए सब प्रभु नू अर्पण कर दईए, मैं नहीं कीता और मैं नहीं कर सकता, ये भाव उस दे अंदर पैदा होवे, सब कुछ प्रभु नू समर्पण करे, तो एक दिन
सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और इस दे नाल ए सूझ मिलती है, यह ते उसकी बख्शिश है। नानक नदरी पाई है, यह ते उसकी बख्शिश नाल ही प्राप्त होंदा है। हे प्रभु, यह तेरा प्रसाद है, मेरा प्रयास नहीं, यह तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं, यह तेरी बख्शिश है, मेरा उद्यम ते वसीला नहीं, मेरा यह गिनती मिणतियां का वसीला जिस दिन मैनू थका देंदा है, तोड़ देंदा है और अंदरों अरदास निकलती है, उस दिन ही प्राप्ति आती है। तो जे अरदास नहीं निकली तो उन्होंने गिनतियां मिणतियां से भरोसा बनया होया, ये कूड़ी कूड़े ठीस, ये उस कूड़े दिया बस कूड़िया ही गल्लां ने, कूड़िया ही वड़ियाईयां ने, फिजूल दिया ही गल्लां ने। आखण जोर छुपे ने जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण ने जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोय, नानक उत्तम नीच न कोय, जिस हथ जोर कर वेखे सोय, नानक उत्तम नीच न को। मनुख कोल ताकत है, शक्ति है, बोलन दी शक्ति, सुनन दी शक्ति, वेखन दी शक्ति, सोचने दी शक्ति, विचार शक्ति। दरअसल मनुख अनंत शक्तियां दा मजमुआ है, जोड़ है, इकट्ठ है। इस शक्ति दे नाल संसार विच मनुख बहुत कुछ प्राप्त करता है, वेख के, सुन के, बोल के, चल के, करके, सोच के, विचार के, जगत दे बहुत सारे पदार्थ ये प्राप्त करता है। सहजे सहजे इसनू ख्याल आ सकता है और आ जाता है कि मैं अपनी विचार शक्ति नाल, सोच शक्ति नाल, दृश्य शक्ति नाल, वेखण शक्ति नाल, कथन शक्ति नाल परमात्मा नू प्राप्त करांगा, प्राप्त करांगा। उस बारे महाराज कहते हैं, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, जिस दे कुल इस तरह का जोर है वह करके वेख लवे, प्राप्त करके वेख लवे। भाव इत्थे जोर नहीं चलेगा, क्योंकि सारा जोर जो साडे कोल है इत्थे उसे दा दित्ता होया है, उसे दी दित्ती हुई समर्था है। इस वास्ते साहिब कहते ने, आखण जोर चुपे नह जोर, बोलन देच भी उसे दा जोर है, साडा जोर नहीं। कई दफा ख्याल आंदा है मैं ये बोलना सी, नहीं बोल सकया उस वक्त, और कई दफा ऐसा ख्याल आंदा है मैं नहीं ये बोलना सी, चुप रहना सी, पर बोलिया नहीं, चुप रह सकया। ऐसा तो कई दफा सानू महसूस होवेगा कि चुप रखण देच भी मेरा जोर नहीं चलता, और बोलन देच भी मेरा जोर नहीं चलता। दूसरा, बोल बोल के भी मैं उस परमात्मा नू प्राप्त नहीं कर सकता, और मौन धारण करके चुप रह के भी इस शक्ति दे नाल भी मैं उस प्रभु नू प्राप्त नहीं कर सकता। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देन न जोर। तू जोर नाल मंग भी नहीं सकता, अगर जोर नाल मंगे इते हुक्म हो गया, मंगते दा की हुक्म। फिर मेरे अंदर जो मांगत बिरतियां ने, ए चाहिदा है, ओ चाहिदा है, हर वक्त मंगण दी रोह जो अंदर चलदी है, इस दे उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं चलदा, और मंगणा अंदरों जारी रहिंदा है, चलदा रहिंदा है,
चलता रहिंदा है। देण ना जोर, देण दे च भी कई दफा मनुख दा अपना जोर नहीं चलता। कितना ही मां अपने हत्थां नूं रोके पर बच्चे नूं प्यार ते वंडदी है, थप थप ही ओते देंदी है। लगदा है कोई अदृश्य हथ इस दे हत्थां नूं प्रेरदे ने, कोई अदृश्य शक्ति इस नूं प्रेरदी है और ए बच्चे नूं प्यार सत्कार और दुध देण ते मजबूर होंदी है। तो इस तरह देखदे हां मंगण देच ते देण देच भी साडा जोर नहीं, कोई होर शक्ति कम कर रही है। जोर ना जीवन मरण ना जोर, असी अपने जोर नाल जी नहीं सकते। भाव जे मिथ लईए 200 साल जीवना है, नहीं ये तो जो गल प्रभु ने मिथी है ओही होवेगी। जो अनुरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात, स्यानप काहू कामनाथ। मनुख दी स्यानप इत्थे कम नहीं करेगी। जो कुछ ब्रह्मंड बारे, जो कुछ मनुख दे शरीर बारे उस परिपूर्ण परमात्मा ने मिथे है, ते जो कर्मा दे विधान अनुसार साड़ी प्रालवद बनाइए और चूंकि विधान भी उसे दा बनाया है, उसे नहीं सब कुछ मिथे है, ओही कुछ होंदा है। मनुख दी इत्थे स्यानप कम नहीं करेगी। स्यानप काहू कामना आत, जो अनुरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही सो बात। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर। मनुख अपने जोर नाल चावे मैं मर जावा, मैं मर जावा, नहीं ये भी उस परिपूर्ण परमात्मा दा बनाया होया विधान है। तीन गल्ला जिथे कठिया ना होन मौत आउंदी नहीं, समा अस्थान ते कारण। ये जद तीन कट्ठे होंदे ने उदो ही मरना होंदा है, उस तो पहले ने। जोर ना राज माल मन सोर, ये मन दे जो राज पाठ दा ते दुनिया दी धन संपदा दा जोर चलदा है, शोर चलदा है, भाव मंगा चलदियां ने, इहदे उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं। भाव ये शोर ना चले इस दे उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं चलदा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। मनुख जोर लाके अपनी सुरत नु शब्द विच नहीं जोड़ सकता, अपने जोर नाल ऐसा नहीं कर सकता और अपने जोर नाल ज्ञान दी विचार भी नहीं कर सकता। गहराई नाल देखेगा सारा जोर उसे ही परमात्मा दा है, उसे ही परमात्मा दा है। और इतनी समझ आवदे ही फिर वह विचार करन दे च भी समर्थ हो जाता है, सुरत जोड़न दे च भी समर्थ हो जाता है, और वह राजमाल दा जो शोर चल रहा है उन्हों कमजोर करन दे च भी समर्थ हो जाता है। और इस तरह वो परम आनंद की प्राप्ति कर लैंदा है। पर तां जद अपने जोर दा माण एक पासे करदा है। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। मनुख अपनी ताकत दे नाल जुगतियां दे नाल संसार तो छुट भी नहीं सकता, जन्म मरण दे बंधना तो छुट भी नहीं सकता। और कोई ऐसा आखे नहीं मैं अपनी शक्ति नाल अपनी सोच समझ नाल जन्म ते मरण दे बंधना नू तोड़ांगा, तो साहिब कहंदे ने जिस हथ जोर कर वेखे सोए। जिहदे हथ च इस तरह का जोर है करके वेख लवे। नानक उत्तम नीच ना कोए। मनुख अपने जोर नाल उत्तम नहीं हो सकता और मनुख अपने ही जोर नाल नीच भी नहीं हो सकता। जोर ते सारा उसे दा ही है, बस उसकी समझ आंदे हां ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है, कोई भी नहीं कोई भी नहीं। सब उसे दा खेल चल रहा है, उसे दा तमाशा चल रहा है। उसके हुक्म देच बनस्पति देच कोई किक्कर है कोई चंदन है। हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। उसके हुक्म देच कोई आम पत्थर है
पर कोई नीलम है, मूंगा है, पन्ना है। उसकी ही बनाई हुई रजा ते हुक्म दे कोई लोहा है, पर कोई सोना है। कोई आम अकदा जंगली फुल है, पर कोई गुलाब दा फुल है, कमल दा फुल है। अकदा फुल भी फुल है, कमल दा फुल भी फुल है। किक्कर दा भी एक दरख्त है, चंदन दा भी एक दरख्त है। पत्थर भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है, पर एक उत्तम, एक नीच, एक प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है। कोई मनुख हीरे दी तरह है, कोई पत्थर दी तरह है, कोई चंदन दी तरह है, कोई आम के कर दी तरह है। कोई ते कंचन है, पर कोई लोहा है, लोहा है। ए सब परिपूर्ण परमात्मा दी नियमावली, जैसे उसकी बनाई हुई नियमावली दे मुताबिक कोई सोना है, कोई लोहा है, कोई चंदन है, कोई किक्कर है। हूबहू उसके बनाए हुए विधान दे मुताबिक ही कोई उत्तम है ते कोई नीच है। मनुख अपने बनाए हुए विधान दे मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। अगर है किसी दे कोल जोर, तो महाराज कहंदे ने करके वेख लवे, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। अगर है जोर तो फिर कोई भी करके वेख लवे। भाव ए परमात्मा दी बनाई होए मर्यादा, और उस मर्यादा नु समझ के मर्यादा दे च रह के कोई उत्तम हो सकदा है, और ना रह के कोई नीच हो सकदा है। खेल सारा उसे दा है। नानक कहो प्रभु आपे आपे, ओही प्रभु है। उसे दा ही सारा तमाशा, उसे दी सारी लीला, और उसे दा ही सारा जोर। जोर जुगत वस प्रभ के, जो कहे सो करना। ए जुगती ए जोर सारे दा सारा उस परिपूर्ण परमात्मा दे हथ दे च है। जिस हथ जोर कर वेखे सोए, और वाकई मनुख दे हथ दे च होवे तां इसके हाथ होए तां सब किछ ले। ए ते फिर सब कुछ दी प्राप्ति कर लवे। नहीं, ए सब कुछ प्रभु दे हत्थां च है, और उस दे हत्थां नाल जुड़ना है।